हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस से सुमेश मोंगा आप सबका वेलकम करता हूँ। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 का अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार को चालू किया था, और इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए स्ट्रक्चर की बात कर ली थी कि डीएनए स्ट्रक्चर कैसा होता। ठीक है जी, तो आप देखेंगे ज़्यादातर जीवों में आनुवंश की पदार्थ जो है वो डीएनए है, और कुछ में आरएनए भी मिलता है, कुछ विषाणुओं में। और डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। वॉटसन और क्रिक ने इसके डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया था 1953 में। तो 1953 में इन्होंने बेस स्ट्रक्चर डीएनए प्रपोज किया था, जो बेस था एक्सरे डिफ्लेक्शन डाटा प्रपोज बाय द विल्किंस एंड मॉरिस। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के आधार पे इन्होंने, वॉटसन और क्रिक ने बताया था डीएनए के स्ट्रक्चर को। ठीक है, साथ के साथ चारगाफ फाइंडिंग को भी उन्होंने इस कंसीडर करते हुए, चारगाफ ने जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बताई थी उसको भी इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर में कंसीडर किया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर इनके हिसाब से कैसा बना है? डबल हेलिक है, डबल हेलिक्स में दो स्ट्रैंड है जो एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं, एक की पोलैरिटी फिफ्थ प्राइम एंड और थर्ड प्राइम एंड, अगर थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड इस डायरेक्शन में है तो दूसरे की पोलैरिटी थर्ड प्राइम टू फिफ्थ प्राइम एंड अपोजिट डायरेक्शन में। दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और स्ट्रैंड में अंदर की तरफ नाइट्रोजिनस बेसेस है। नाइट्रोजिनस बेस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं अपने पूरक नाइट्रोजिनस बेस से जो अपोजिट स्ट्रैंड पे है। ठीक है जी, ये राइट हैंडेड हेलिकल केवल दिखाएगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल नहीं दिखाएगा, और इसका पिच जो है घुमाओ एक पूरा टर्न 360 डिग्री रोटेट होके जहाँ से चले थे वापस वहीं आ जाए, उसमें ये 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसका पिच है 3.4 नैनोमीटर, और पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। इसका मतलब है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 0.34 नैनोमीटर है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी। ये सारी बातें कल हम लोगों ने पढ़ी थी, तो एक बार फिर से उसको हम लोग फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखें, तो 100 वर्षों बाद अनुमानित वांशिक अनुवांशिक पदार्थ का पता चला इसके मेंडल के नियम देने के बाद। मेंडल ने नियम दिए थे 1865 में छपे थे, तो लगभग उसके 100 वर्षों के बाद यह पता लग पाया कि अनुवांश की पदार्थ डीएनए। अधिकांश जीवों में यह अनुवांश की पदार्थ डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जबकि कुछ विषाणुओं में राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए भी होता है। तो सजीवों में जीवों में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में मिल रहा और एसिडिक नेचर का, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज़्यादातर जीवों में डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। आरएनए केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता, आरएनए के कुछ और भी काम है। ये अनुकूलक मतलब एडप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, ट्रांसफर आरएनए, संरचनात्मक आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए संरचना में पार्टिसिपेट करता है, और कुछ स्थितियों में एंजाइम की तरह, उत्प्रेरण अणु की तरह काम करता है, तो राइबोजाइम की तरह भी काम करता है। ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं, ये बने हुए पॉलीमर हैं, बहुलक हैं, किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड के। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि पेंटोज शुगर का टाइप, डीऑक्सीराइबोज में ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज है, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड में आरएनए में ये राइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पे HH दो हाइड्रोजन है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में H और H है, जबकि राइबोज शुगर में H और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH है सेकंड कार्बन पे। ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और इससे लगाइए फिफ्थ कार्बन CH2OH। तो सेकंड कार्बन पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है इन केस ऑफ राइबोज शुगर, और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में डीऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है, HOH बचा, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है जी, जब डीऑक्सीराइबोज शुगर से पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस
बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, एंड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड अटैच हो जाता है नाइट्रोजिनस बेस, वो हमारे प्यूरिन हो सकते हैं, पायरिमिडीन हो सकते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना ये है न्यूक्लियोसाइड। सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसको दोहरा रहा हूँ मैं फटाफट। वो जब न्यूक्लियोसाइड से अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, तो ये बना देता है न्यूक्लियोटाइड। अब इससे इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बना तो ये अब कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में कर चुके। डीएनए के मॉलिक्यूल को समझिए। डीएनए एक लंबा बहुलक है, बहुत बड़ा बहुलक है। डीएनए की लंबाई संभवतः नापने का तरीका क्या है? हम लोग बताते थे नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, बेस पेयर कितने हैं। यह किसी जीव की विशेषता है। उदाहरणार्थ बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, वो विषाणु जो बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा या इन्फेक्शन करेगा या खा जाएगा। साई X174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड है, 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना इसका जेनेटिक मटेरियल है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में, लैम्डा फेज में 48502 बेस पेयर है। यहाँ पे बेस पेयर मेंशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेंशन है। क्यों? ये कल आपको बताया था, क्योंकि साई X174 का जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, SS डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, SS DNA होने के कारण भाई एक ही स्ट्रैंड है, तो बेस पेयरिंग होगी कहाँ? पेयरिंग तो तब होगी ना जब दो स्ट्रैंड होंगे। 5386 न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है, 48502 बेस पेयर मिल रहा है लैम्डा फेज में। इचेरेक्चिया कोलाई में आपको 4.6×10^6 बेस पेयर मिल रहा है हैप्लॉइड कंटेंट में, और इचेरेक्चिया कोलाई में 4.6×10^6 बेस पेयर है, जबकि मनुष्य के DNA में हैप्लॉइड कंटेंट में 3×3.3×10^10 बेस पेयर है। तो ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है हैप्लॉइड, उसमें 3.3×10^9 बेस पेयर है। यहाँ पे इचेरिकिया कोलाई में 4.6×10^6 बेस पेयर है। ये बात होने के बाद अब आगे चलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रासायनिक संरचना संक्षेप में इस प्रकार से है कि तीन इसमें कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पाइरिमिडीन, पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के हैं, प्यूरिन सैडिनिन ग्वानिन और पाइरिमिडीन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। साइटोसिन डीएनए में व आरएनए दोनों में मिलता है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा, जबकि थायमिन केवल डीएनए में मिलेगा, और थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन एंड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो पेंटोज शुगर के हमेशा फर्स्ट कार्बन से ये नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा, ये एंड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहलाएगा, और यहाँ पे पहला कार्बन एटम उसके साथ ये नाइट्रोजिनस बेस का जुड़ा नाइट्रोजन, तो इसने बना दिया एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, और जब इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, फॉस्फेट मल्टी जुड़ जाएगी, तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटीडीन, देखिए साइटीडीन है, साइटीडिनोसिन नहीं है, डीऑक्सी साइटीडीन और यूरीडीन, यूरेसिल का यूरोसिन नहीं है, नोसिन नहीं है, यूरीडीन। तो जो हमारे पाइरिमिडीन है उसमें आखिरी में डीन है, और जो हमारे प्यूरिन है उसमें आखिरी में आके नोसिन है नाम में, ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा अपने वाले न्यूक्लियोसाइड से पांचवें कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा है तथा संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है, और अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से ये तीसरे कार्बन से जुड़ता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं।
अब एक फॉस्फेट को दो न्यूक्लियोटाइड शेयर करने लगे तो दो न्यूक्लियोटाइड थर्ड प्राइम और फिफ्थ प्राइम फास्फोएस्टर बॉन्ड से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ओके, इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो एक हमारा समझिए न्यूक्लियोटाइड ये है, समझ लीजिए जो उसने बोला है, ये एन और ये हमारा फिफ्थ कार्बन और इससे ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वाया एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे थर्ड ओएच ग्रुप, इसके पीछे एक और आया न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट अपने फिफ्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है अपने वाले न्यूक्लियोसाइड से और अब अपने आगे वाले न्यूक्लियोसाइड से थर्ड कार्बन से जुड़ जाएगा, ये भी एस्टर बॉन्ड है तो थर्ड और फिफ्थ एस्टर बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड हो गए, ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, एक फॉस्फेट को दो शुगर शेयर करने लगे। इसी तरह से यहाँ पे फिर OH है, यहाँ पे फिर फॉस्फेट और ये अपने वाले से जुड़ा हुआ है अपने वाले के फिफ्थ से और अपने आगे वाले के थर्ड से, तो ये भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। इस तरह से ये जुड़ते चले जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा और ये श्रृंखला लंबी होती चली जाएगी। अपने से आगे वाले से थर्ड से OH ग्रुप था, यहाँ पे थर्ड, ये भी थर्ड और ये भी थर्ड और अपने वाले फिफ्थ से ये फिफ्थ, ये फिफ्थ, ये फिफ्थ, ये फिफ्थ, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स, तीन पांच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तीन पांच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। क्लियर है? इसी तरह से कई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोस शुगर के फिफ्थ प्राइम एंड पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, तो ये फिफ्थ प्राइम एंड, ये जो एक बन गया रज्जुक, इसके फिफ्थ प्राइम एंड पे भाई यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और थर्ड एंड पे क्या है, थर्ड प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री है। आखिरी में कहीं ना कहीं शुरुआत और कहीं ना कहीं खात्मा, शुरुआत में जो हमारा फिफ्थ प्राइम एंड पे फॉस्फेट फ्री है, ये आगे वाले थर्ड से नहीं ना जुड़ा होगा, आगे वाले से जुड़ा होगा तो आखिरी ये हो जाएगा, आखिरी तो ये है ना, ये वाला न्यूक्लियोटाइड आखिरी, तो ये अपने आगे इसके कोई नहीं है, तो यहाँ पे फिफ्थ फॉस्फेट, फिफ्थ प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और यहाँ पे थर्ड प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री है। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे का शक्रामुट, बहुलक का दूसरा किनारा जो है वहाँ पर शकरा मुक्त हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है, शकरा मुक्त हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है, तो फिफ्थ प्राइम एंड कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पे शकरा, शकरा के थर्ड प्राइम एंड पे मुक्त हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, श्रृंखला का, इसे पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का थर्ड प्राइम एंड कहते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार का निर्माण शकरा व फॉस्फेट से होता। पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये जो हमारी पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई, उसके आधार का निर्माण शकरा व फॉस्फेट से होता, तो शुगर फॉस्फेट से इसका बेस तैयार हो जाएगा, एक बैकबोन जो बन रही है शुगर फॉस्फेट से बन रही है। नाइट्रोजनी क्षार शकरा से जुड़ा है जो आधार से प्रक्षेपित होता है और नाइट्रोजिनस बेस किससे जुड़ा है, नाइट्रोजिनस बेस शुगर से जुड़ा है और अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोसोम की सेकेंड प्राइम एंड पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह होता है। आरएनए में जो शुगर मिल रही है राइबो शुगर, उसमें सेकंड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है, ये मैंने आपको पिछली बार लिखाया था। आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है और आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजिनस बेस को रिप्लेस कर देता है, कौन, यूरेसिल। यूरेसिल का दूसरा नाम क्या है, 5-मिथाइल यूरेसिल थाइमिन को रिप्लेस कर दिया किसने, यूरेसिल ने, और थाइमिन का ही दूसरा नाम 5-मिथाइल यूरेसिल होता है। फेडरिक मिशन ने
1869 में केंद्रक में मिलने वाली। अब आप देखिए फ्रेडरिक मिशर का नाम ध्यान में रखिएगा, 1869 ध्यान में रखिएगा, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अमली पदार्थ डीएनए की खोज करी थी। पूछा जाता डीएनए, हु डिस्कवर डीएनए, खोज किसने करी थी डीएनए की, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी 1869 में। उसने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था और डीएनए को उसने न्यूक्लिन नाम दिया था। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। और ये एक लॉन्ग पॉलीमर है, काफ़ी लंबा अणु है, इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आइसोलेट करना आसान नहीं था। इसी कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। उसके डबल हेलिक्स मॉडल के सेलियंट फीचर क्या थे, विशेष बातें क्या थी डबल हेलिक्स मॉडल की, ठीक है। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जो कि रोजालिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने दिया था, उसके आधार पे रोजालिन फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, एक्सरे निर्वतन आंकड़े के आधार पे इन्होंने हमारे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज किया था। क्षार युग्मन श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज की चेन की एक खास विशेषता है, टिपिकल फीचर है। यह श्रृंखला एक दूसरे के पूरक है और यह श्रृंखला एक और दूसरी श्रृंखला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार क्रमों की कल्पना हम कर सकते हैं। तो अगर हमने बोल दिया कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि ए के अपोजिट हमेशा टी आएगा, टी के अपोजिट हमेशा इधर ए अपीयर होगा, अगर इधर सी है तो इधर जी होगा, इधर जी है तो इधर सी होगा, अगर हमें ये कंडीशंस मालूम है कि हमेशा यही होगा ए के अपोजिट इधर टी, अगर एक तरफ लिखा है तो अगर हम आपको एक केवल सीरीज दिखा रहे हैं तो दूसरी तो आप इधर वाली अपने आप प्रिडिक्ट कर दोगे ना। अगर हम बोल रहे हैं कि ए ऑलवेज लाइज अपोजिट द टी, ए के अपोजिट टी है, तो अगर ये बात बोल दी तो ए इधर आप टी लिख ही दोगे, फिर अपने आप टी इधर ए लिख ही दोगे, सी तो इधर जी, और अगर इधर जी तो इधर सी। तो एक रज्जु की या एक स्ट्रैंड की हमको अगर न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरे की भी प्रिडिक्ट कर देंगे, लिख देंगे। यदि डीएनए के प्रत्येक रज्जु के एक नए रज्जु के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं, तो डीएनए में हम क्या देखेंगे, डीएनए पर जब डीएनए बनता है एक रज्जु टेम्पलेट की तरह काम करेगा, सांचे की तरह काम करेगा और उस पर एक नया डीएनए रज्जु बन जाएगा। इस तरह से द्विरज्जुक डीएनए का निर्माण होता है और दो डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे जो पैतृक डीएनए अणु के समान होते हैं, और ये जो डीएनए इस तरह से असेंबल होगा वो पेरेंटल डीएनए के समान होगा। इस कारण से आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी और हम लोग को डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल सकी जब इन्होंने उसको प्रपोज कर दिया। खास बातें क्या हैं, ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना दो सीरीज है जिसका आधार और इसका बेस कह लीजिए या बैकबोन कह लीजिए शुगर फॉस्फेट की बनी है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवता रखती हैं, दोनों श्रृंखलाएं जो है एंटी पैरेलल है, एक की पोलैरिटी इधर तो दूसरे की पोलैरिटी इधर। इसका मतलब है एक श्रृंखला की ध्रुवणता फिफ्थ प्राइम से थर्ड प्राइम एंड की हो रो तो दूसरे की ध्रुवणता थर्ड से फिफ्थ की एंड होगी। अगर एक की ध्रुवणता थर्ड प्राइम टू फिफ्थ प्राइम एंड तो दूसरे की अपोजिट फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम एंड होगी, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, विपरीत समानांतर है, ठीक है। एक की ध्रुवणता इधर फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड तो दूसरे की ध्रुवणता थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड। इसका मतलब है एक श्रृंखला को
ध्रुवणता फिफ्थ प्राइम से थर्ड प्राइम एंड की ओर हो तो दूसरे की थर्ड से फिफ्थ की एंड होगी। दोनों रज्जुओं के क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, अब ये जो दो रज्जु हैं इसमें दोनों रज्जु के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। दोनों रज्जु के नाइट्रोजिनस बेस क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए युगल बना रहे, युग्मित हो रहे हैं। एडिनिन और थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक इसी तरह ग्वानिन साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सदैव यूरिन के अपोजिट प्यूरिन होना चाहिए। प्यूरिन के अपोजिट हमेशा पाइरिमिडीन आएगा। इससे कुंडली के दोनों रज्जु के बीच समान दूरी बनी रहती है। तो ए के अपोजिट आ रहा है टी और सी के अपोजिट आ रहा है जी। ए जी हैं आपके प्यूरिन्स और टी और सी हैं आपके पाइरिमिडीन। तो प्यूरिन्स के अगेंस्ट पाइरिमिडीन और पाइरिमिडीन्स के अगेंस्ट प्यूरिन, इसलिए जो इनका ये आपका कहिए डायमीटर है, व्यास है, या इनको मिला के जो दूरी बन रही है वो बराबर रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ प्यूरिन और एक तरफ पाइरिमिडीन, ये पूरा यही कॉम्बिनेशन चलेगा। दोनों श्रृंखलाएँ दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, राइट हैंडेड हेलिकल है, दक्षिणावर्त मोड़ मिल रहा। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर है। कुंडली का पिच ये देखिए, यहाँ से हमने कुंडली को ऑब्जर्व करना चालू किया तो ये घूम के फिर यहीं आ गए, तो 360 डिग्री रोटेट होके वहीं आ गए। लेकिन ये 360 डिग्री जब रोटेट हो रहा तो खाली इसी तल में रोटेट नहीं हो रहा, साथ के साथ ये ऊपर भी उठ रहा। तो ऊपर उठते जहाँ से आपने उसको ऑब्जर्व करना चालू किया वापस उस पॉइंट पे आ गए, इस दौरान ये 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो गया, 3.4 नैनोमीटर विस्थापित हो गया। यही इसका पिच कहलाता, यही दूरी इसका पिच कहलाता। और इस पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। तो मानिए एक गोल घुमावदार सीढ़ी है, उस सीढ़ी में आप ऊपर भी चढ़ भी रहे हैं और डंडे भी ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, डंडों पर चढ़ते हुए आप सीढ़ी में और डंडे घूम भी रहे हैं, तो डंडा घूम के जहाँ से आप चालू हुए थे वापस वहीं पे आ गया। इस दौरान आप 3.4 नैनोमीटर ऊपर चढ़ गए और 10 डंडे कवर कर लिए, मेन बात यह है। तो 10 डंडों के बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर है, तो एक डंडे से दूसरे डंडे की दूरी क्या होगी, 0.34 नैनोमीटर होगी। पिच क्या है, 1.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर उसका पिच है, 3.4 नैनोमीटर उसका पिच है और 0.34 नैनोमीटर एक डंडे से दूसरे डंडे की दूरी है, 3.4 नैनोमीटर उसका पिच है जिसमें 10 डंडे आ रहे हैं। इसका मतलब है एक डंडे से दूसरे डंडे की दूरी 0.34 नैनोमीटर है। दोनों श्रृंखलाएं बात हो गई। चलिए दुई कुंडली में एक क्षार युग की सतह के ऊपर दूसरा स्थित होता, तो एक के क्षार युग के सतह के ऊपर दूसरा स्थापित है, दूसरे के ऊपर तीसरा स्थापित है, तीसरे के ऊपर चौथा स्थापित है। इस तरह से ये स्थायित्व देते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को स्थायित्व देते हैं। तो एक तो इनका आधार एक के ऊपर दूसरा अरेंज है और दूसरा इस वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर को स्थायित्व मिल रहा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से उसको स्थायित्व मिल रहा। प्यूरिन और पाइरिमिडीन की संरचनात्मक तुलना करो, क्या आप बता सकते हो कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच की दूरी समान क्यों रहती है। डीएनए की द्वि कुंडली संरचना का प्रस्ताव यू परिक्रमी है। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोजल देना अपने आप में एक वेरी बोल्ड प्रपोजिशन था कि आनुवंशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। अगर हम बोल रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड है स्ट्रक्चर, तो ये आनुवंशिकी से संबंधित जो हमारे कुछ एक दुविधाएँ हैं उसको सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम होगा। शीघ्र आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया
और बहुत जल्दी इसके बाद फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया। सेंट्रल डोगमा या कहिए मूल सिद्धांत हमारा क्या है, इसके बारे में उसने विचार प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि आनुवंशिक सूचनाओं का भाव। सेंट्रल डोगमा प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था, जिसमें बताया गया कि आनुवंशिक सूचनाओं का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहाव डीएनए से आरएनए और आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनने में होता है। तो जो हमारे आनुवंशिक विशेषताएं हैं या आनुवंशिक गुण जो हैं उनका सूचनाओं का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहाव कह लीजिए, बहाव वो कहाँ से किधर होगा, डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरह होता है। तो डीएनए की पैकेजिंग पे अब हम लोग आए, उससे पहले अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें जो हर बार हम लोग करते हैं। तो देखिए डीएनए का मॉलिक्यूल है, ऐसा होता मॉलिक्यूल। अब जहाँ से आपने उसको ऑब्जर्व करना चालू किया वहाँ पे आप वापस घूम के आ जाएं, यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू किया है तो ये घूम के आप वहीं आ जाएंगे जहाँ से चालू किया ऑब्जर्व करना, ये कहलाएगी इसकी क्या पिच। तो ये है जैसे वापस इधर मुड़ रहा था, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का, ये वही बातें हैं जो अभी पढ़ी थी। 1950 में चारगाफ ने ये बताया था कि प्राइमिडीन और प्यूरिन कंटेंट ऑफ डीएसडीएनए इज इक्वल, प्यूरिन ऑलवेज इक्विमोलर टू प्राइमिडीन, प्यूरिन और प्राइमिडीन बराबर होंगे डबल स्ट्रैंड डीएनए में, ये चारगाफ ने बताया था। तो इस चीज़ को भी बेस बनाया है वॉटसन और क्रिक ने, इसको भी बेस बनाया जब उन्होंने स्ट्रक्चर को डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करी। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखिए यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू करिए, ये और हमारा वापस वहीं पहुँच गए, ये जहाँ से चले थे पूरा एक टर्न होकर, ये देखिए ये चला वापस वहीं पहुँच गए उसी पॉइंट पे, 360 डिग्री रोटेट हो गए। लेकिन खाली 360 डिग्री रोटेट नहीं हुए, साथ में आप ऊपर भी उठ गए या डिस्प्लेस हो गए हैं अपने जहाँ से आपने उसको ऑब्जर्व करना चालू किया, आपने तल से इतना आप डिस्प्लेस भी हो गए, 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो गए, वही उसका 3.4 नैनोमीटर उसका पिच है। एक पिच में मतलब एक घुमाव में 360 डिग्री रोटेशन में 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो गए, और इस डिस्प्लेसमेंट में 10 बेस पेयर कवर हो रहे हैं, इसका मतलब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर।